अब ये स्त्री पुरुष का खेल नहीं है, ध्यान रखना। ठाकुर जी के पास लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी है, पृथ्वी देवी का अवतार सत्याभामा है, दुर्गा का अवतार जामावंती है, उनकी पत्नी है, रानी है, लेकिन वो सब मिलकर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां। गंगा का अवतार मित्र वृंदा, भगवती सरस्वती का अवतार लक्ष्मणा, ये सब द्वारका में इनकी पटरानी है, लेकिन वहां मन नहीं है, वो पत्नियां हैं। करो प्रेम लेकिन नहीं, मन जाता ही नहीं। किशोरी जी से हटे तो जाए, क्योंकि यहां शुद्ध प्रेम है, जिसकी भूख आत्मा को भी लगती है, परमात्मा को भी लगती है। एक क्षण भी इस प्रेम के बिना नहीं, ये प्रेम की देवी है, यहां वासना तो है ही नहीं। वासना होती तो राधा कृष्ण का विवाह हो जाता। कई कहते हैं कि ये पति पत्नी क्यों नहीं बने, राधा कृष्ण बन ही नहीं सकते कभी, क्योंकि यहां वासना है ही नहीं। ये शुद्ध प्रेम की देवी है, यहां वासना की गंध तक नहीं। यहां विवाह कैसे हो जाएगा जब वासना ही नहीं, बच्चे कैसे हो जाएंगे जब वासना ही नहीं है। इसलिए विवाह नहीं होता यहाँ। विवाह की लीला द्वारिका में की है, यहाँ विवाह नहीं किया, क्योंकि हो ही नहीं सकता राधा नहीं से विवाह, क्योंकि निष्काम शुद्ध प्रेम की देवी है, और इसी प्रेम की भूख परमात्मा को लगती है। और ये प्रेम जिस दिन हमारे अंतकरण में आ जाएगा, वो तो हमारी भी गुलामी करने लग जाएंगे, रानियों को छोड़कर हमारे पीछे पीछे प्रेम की इतनी भूख लगती है। वो प्रेम रूप है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वो परमात्मा प्रेम के इतने सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। ये कोई साधारण ये शरीर नहीं है, ये शुद्ध प्रेम है। प्रेम नहीं, राधा रानी का रूप धारण कर रखा, ये कह लो आप प्रेम की घनी भूत मूर्ति है राधा रानी। इनमें प्रेम के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है, जो कुछ है प्रेम। और इस प्रेम के बिना ठाकुर जी नहीं रह सकते। हमारे आपके अंदर प्रेम है, लेकिन राधा रानी के अंदर प्रेम नहीं, खुद ही प्रेम है। एक क्षण भी इस प्रेम के बिना परमात्मा नहीं रह सकते। इसी प्रेम के कारण से वो साकार है, नहीं तो प्रेम ना हो तो वो निराकार हो जाए। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।